तो महात्मा जी ने कहा, प्रभु आज दुनिया में सब लोग दुखी हैं, लोगों का दुख मिटाने के लिए क्या किया जाए? तो गुरुदेव भगवान ने कहा उनको, भगवान की कथा सुनाई जाए। भाई भगवान की कथा सुनने से तो लोगों का दुख मिट जाता है, मिटता भी था मेरे भाई बहन। जब धुंधकारी को गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई तो धुंधकारी का दुख मिटा, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मेरे भाई बहन केवट ने निषाद राजगुरु और लक्ष्मण जी का सत्संग सुना, कथा सुनी, तो उनका भी दुख मिटा, उनके जीवन में हृदय में आनंद आया। जब मेरे भाई बहन माता सीता को बालाजी महाराज ने कथा सुनाई तो तुरंत उनका दुख भागा। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि राम कथा गुण बर नहीं लागा, सुनत ही कर सीता दुख भागा। कथा सुनने से लोगों का दुख मिट जाता है। तो आप लोगों का दुख मिटाना चाहते तो भगवान की कथा श्रवण करवाइए लोगों को। तो महात्मा जी ने फिर प्रश्न किया, प्रभु कथा तो सुनाए लेकिन कौन से भगवान की सुनाए? भाई देवी देवता भी तो करोड़ है ना, 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता बताए हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में। अब कौन से देवता की कथा सुने कि सारा दुख मिट जाएगा? क्योंकि अगर भागवत कथा सुनेंगे तो आनंद मिलेगा, राम कथा सुनेंगे गृहस्थी का सुख मिलेगा, गीता सार सुनेंगे तो मोक्ष मरने का आनंद मिलेगा, धन्वंतरी भगवान की कथा सुनेंगे स्वास्थ्य का तने का दुख मिटेगा, लक्ष्मी मैया की कथा सुनेंगे धन का दुख मिटेगा, और अश्विनी कुमार की चंद्रमा की कथा सुनेंगे तो रूप सौंदर्य मिलेगा। यानी कि अलग अलग देवताओं की कथा सुनने पर अलग अलग विषयों का दुख मिटता है। फिर इतनी कथाएं कैसे सुन पाएगा कोई जीव? कौन से भगवान की कथा सुने? और मान लो सारे भगवान की कथा सुनने का प्रयास भी किया जाए तो क्या जीव सारी कथाओं को सुनने जितना समय निकाल पाएगा क्या? फिर तन के मन के और धन के दुख कैसे मिटेंगे? तो कहा, प्रभु इस दुनिया में ऐसी कोई कथा नहीं है क्या जिसको बस एक बार सुन ले तो तन का मन का धन का तीनों ही दुख एक साथ मिट जाए और जीव के जीवन में आनंद आ जाए? प्रभु ऐसी कोई कथा नहीं है क्या कि बस एक बार सुन ले तो जीवन में और कुछ भी सुनना बाकी ना रह जाए, वो सारे दुखड़े एक साथ मिटा दे? ऐसी कोई भगवान की कथा नहीं है क्या? प्रश्न बड़ा गंभीर था मेरे भाई ने। महात्मा जी ने समाज के कल्याण का प्रश्न पूछा है, और कोई जो सच्चा संत है वो भगवान का जो अवतार है, जो कोई सच्चा संत है मेरे भाई ने, वो समाज के कल्याण के खातिर जीता है, वो ऐसे प्रश्नों को नकार नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। गुरुदेव भगवान भी विचार करने लगे कि बात बड़ी गंभीर है, आखिर पता तो लगाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा तत्व है जो तन के मन के धन के सारे दुख मिटाता है। सारे वेदों को शास्त्रों को उपनिषदों को पुराणों को मेरे बारे में टटोल लिया लेकिन ऐसा कोई तत्व सामने नहीं आया जिससे ये पता चल सके कि भाई ये सारे दुख मिटाती है, ऐसी कोई कथा नहीं मिली। और जब मेरे भाई ने शास्त्रों का भी सहारा ले ले और शास्त्रों का सहारा लेने के बावजूद भी कोई राह नजर नहीं आए मेरे भाई ने, तो फिर संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि सहारा लेना पड़ता है सदगुरुदेव भगवान का। क्योंकि संसार में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं एक रास्ता सदैव खुला रहता है और वो अपने गुरु जी का रास्ता है। सदगुरुदेव भगवान की याद आई। जब मेरे भाई ने आपके भी जीवन में कोई समस्या आए, आपके भी जीवन में जब कोई दुख आए और आप चाहते हैं कि समाधान हमें मिल जाए, तो फिर गुरुदेव भगवान की शरण शिष्य को ग्रहण करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान अगर आपके सदगुरु हैं, आप उनके आदेशों का पालन करते हैं, आप सदशिष्य हैं, तो आपको सशरीर वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके गुरु सदगुरु हैं और आपके जीवन में समस्या आई है तो फिर मेरे भाई ने सिर्फ गुरुदेव भगवान का स्मरण करने मात्र से गुरुदेव भगवान की चेतनाएं प्रकट हो जाती हैं। मात्र गुरुदेव भगवान के चरणों के नख का स्मरण करने से मेरे भाई ने हृदय में दिव्य ज्योति प्रकाशित हो जाती है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज जी बताते हैं। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस जी में बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, श्री गुरु पर
सृष्टि ही ये होती। श्री गुरुपद नखमणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान के चरणों के नख का स्मरण भी किया जाए मेरे भाई बहन, तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर बैठे ही हो जाता है, उसके लिए सदशिष्य बनना पड़ता है। तो गुरुदेव भगवान को भी मेरे भाई बहन, जब लोक कल्याण का ऐसा प्रश्न किया गया तो अपने गुरु जी का स्मरण किया और दाता भगवान की चेतनाएं मेरे भाई बहन ध्यान अवस्था में आकर के प्रकट हुई। कहा वत्स्य, कौन सी समस्या अब आज आपके जीवन में आई है, ऐसी क्या समस्या आई है? कहा प्रभु, एक महात्मा जी पूछ रहे थे कि आज सारा संसार दुखी है, लोगों को सुखी करने के लिए क्या किया जाए? तो कहा बेटा, उसके लिए तो भगवान की कथा सुनाई जानी चाहिए। जितनी जितनी भगवान की कथाओं का प्रचार होगा उतना मेरे भाई ने लोगों को सुख मिलेगा, ऐसा गुरु जी बता रहे हैं। तो कहा भगवान की कथा सुनाओ। कहा ऐसी कोई कथा सुनाइए प्रभु जो तन के मन के धन के सारे दुख एक साथ मिटा दे। बस जिसको एक बार सुन ले तो फिर आगे कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाए, सारे दुख मिट जाए। तो कहा ऐसी कथा यदि सुनना चाहते हैं तो वो कथा है गाय माता जी की कथा। धनु टीवी YouTube चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।